आज दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और आने वाला युग टेक्नोलॉजी से प्रभावित रहने वाला है और तब टेक्नोलॉजी में भारत की जो टैलेंट है उसकी एक नई भूमिका रहने वाली है। साथियों, मैं पिछले दिनों G20 समिट में बाली गया था और बाली में दुनिया के समृद्ध देश, दुनिया के विकसित देश भी उनके मुखिया मुझे भारत की डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए बारीकियों से जानने के लिए इच्छुक थे। हर कोई इसका सवाल पूछता था और जब मैं उनको कहता था कि भारत ने जो कमाल किया है ना, वो दिल्ली मुंबई चेन्नई तक सीमित नहीं है, भारत ने जो कमाल कर रहा है मेरे Tier 2 Tier 3 सिटी के युवा भी आज मेरे देश का भाग्य घड़ रहे हैं, छोटे छोटे स्थान के मेरे नौजवान। और मैं आज बड़े विश्वास से कहता हूं देश का ये जो सामर्थ्य नया नजर आ रहा है, और इसलिए मैं कहता हूं हमारे छोटे शहर आकार और आबादी में छोटे हो सकते हैं, ये हमारे छोटे छोटे शहर हमारे कस्बे आकार और आबादी में छोटे हो सकते हैं, लेकिन आशा और आकांक्षा, प्रयास और प्रभाव वो किसी से कम नहीं है, वो सामर्थ्य उनके अंदर है। नए ऐप्स, नए सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी डिवाइस, अब खेलों की दुनिया देखिए, कौन बच्चे हैं, झुग्गी झोंपड़ी से निकले हुए बच्चे आज खेलों की दुनिया में पराक्रम दिखा रहे हैं। छोटे छोटे गांव के, छोटे छोटे कस्बे के नौजवान, हमारी बेटे बेटियां आज कमाल दिखा रही। अब देखिए मेरे देश की 100 जितनी स्कूल ऐसी हैं जहां के बच्चे सैटेलाइट बना करके सैटेलाइट छोड़ने की तैयारियां कर रही है। आज हजारों टिंकरिंग लैब नए वैज्ञानिकों का गर्भाधान कर रही है। आज हजारों टिंकरिंग लैब लाखों बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी के राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही है। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, अवसरों की कमी नहीं है, आप जितने अवसर चाहेंगे ये देश आसमान से भी ज्यादा अवसर आपने देने का सामर्थ्य रखता है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से मेरे देश की माताओं बहनों, मेरे देश की बेटियों को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। देश आज जब पहुंचा है, अब विशेष शक्ति जुड़ रही है मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य की। आज देश प्रगति की राह पर चल पड़ा है तो मैं मेरे किसान भाई बहनों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। यह आप ही का पुरुषार्थ है, यह आप ही का परिश्रम है कि देश आज कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं मेरे मजदूरों का, मेरे श्रमिकों का, मेरे प्रिय परिवारजन, ऐसे कोटि कोटि श्रमिकों को आज मैं नमन करता हूं, उनका अभिनंदन कर रहा हूं। देश आज जो आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, विश्व की तुलना करने वाले सामर्थ्य के साथ नजर आ रहा है, उसके पीछे मेरे देश के मजदूरों का, मेरे देश के श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। आज समय कहता है कि लाल किले की प्राचीर से मैं उनका अभिनंदन करूं, उनका अभिवादन करूं। और ये मेरे परिवारजन 140 करोड़ देशवासी, मेरे इन श्रमिकों का, रेहड़ी पटरी वालों का, फूल सब्जी बेचने वालों का हम सम्मान करते हैं। मेरे देश को आगे बढ़ाने में, मेरे देश को प्रगति की नई ऊंचाई पर ले जाने में प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका है, बढ़ती रही है। चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, नर्सिस हो, शिक्षक हो, आचार्य हो, यूनिवर्सिटीज हो, गुरुकुल हो, हर कोई मां भारती का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत से लगा हुआ है। मेरे प्यारे परिवारजनों, राष्ट्रीय चेतना वो एक ऐसा शब्द है
जो हमें चिंताओं से मुक्त कर रहा है। और आज वो राष्ट्रीय चेतना ये सिद्ध कर रही है कि भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है भरोसा, भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जन जन में हमारा विश्वास, जन जन का सरकार पर विश्वास, जन जन का देश के उज्जवल भविष्य पर विश्वास और विश्व का भी भारत के प्रति विश्वास। ये विश्वास हमारी नीतियों का है, हमारी रीति का है। भारत के उज्जवल भविष्य को जिस निर्धारित मजबूत कदमों से हम आगे बढ़ा रहे उसका है। भाइयों बहनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, ये बात निश्चित है कि भारत का सामर्थ्य और भारत की संभावनाएं विश्वास की नई बुलंदियों को पार करने वाली है। और ये विश्वास की नई बुलंदियां नए सामर्थ्यों को लेकर के चलनी चाह रही है। आज देश में G20 समिट के मेहमान नवाजी का भारत को अवसर मिला है। अब पिछले एक साल से हिंदुस्तान के हर कोने में जिस प्रकार से G20 के अनेक ऐसे आयोजन हुए हैं, अनेक कार्यक्रम हुए हैं, उसने देश के सामान्य मानवी के सामर्थ्य को विश्व को परिचित करा दिया है, भारत की विविधता का परिचय कराया है, भारत की डायवर्सिटी को दुनिया अचंभे से देख रही है और उसके कारण भारत के तरफ आकर्षण बढ़ा है, भारत को जानने की समझने की इच्छा जगी है। उसी प्रकार से आप देखिए एक्सपोर्ट, आज भारत का एक्सपोर्ट के तेजी से बढ़ रहा है। और मैं कहना चाहता हूं दुनिया के एक्सपर्ट्स इन सारे मानदंडों के आधार पर कह रहे हैं कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। दुनिया की कोई भी रेटिंग एजेंसी होगी वो भारत का गौरव कर रही है। कोरोना काल के बाद दुनिया एक नए सिरे से सोचने लगी और मैं विश्वास से देख रहा हूं कि जिस प्रकार से द्वितीय महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार लिया था, मैं साफ साफ देख रहा हूं कि कोरोना के बाद एक नया विश्व ऑर्डर, एक नया ग्लोबल ऑर्डर, एक नया जियोपॉलिटिकल इक्वेशन ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जियोपॉलिटिकल इक्वेशन की सारे व्याख्याएं बदल रही है, परिभाषाएं बदल रही है। और मेरे प्यारे परिवारजनों, आप गौरव करेंगे, बदलते हुए विश्व को शेप देने में आज मेरे 140 करोड़ देशवासियों आपका सामर्थ्य नजर आ रहा है। आप निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं और कोरोना काल में भारत ने जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया, दुनिया ने हमारे सामर्थ्य को देखा है। जब दुनिया के सप्लाई चेन तहस नहस हो गई थी, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव था, उस समय भी हमने कहा था हमें विश्व का विकास देखना है तो मानव केंद्रीय होना चाहिए, मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ होना चाहिए और तब जाकर के समस्याओं का सही समाधान निकालेंगे। और कोविड ने हमें सिखाया है या हमें मजबूर किया है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को छोड़ करके हम विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है, भारत की समृद्ध विरासत आज दुनिया के लिए एक अवसर बन रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल सप्लाई चेन, उसमें भारत की हिस्सेदारी, मैं पक्का विश्वास से कहता हूं आज जो भारत ने परिस्थिति पैदा हुई है, आज जो भारत ने कमाया है वो
दुनिया में स्थिरता की गारंटी लेकर के आया है दोस्तों। अब न हमारे मन में, न 140 करोड़ मेरे परिवारजनों के मन में और न ही दुनिया के मन में कोई इफ्स है, कोई बट्स है। विश्वास बन चुका है मेरे प्यारे देशवासियों, अब गेंद हमारे पाले में है। हमें अवसर जाने नहीं देना चाहिए, हमें मौका छोड़ना नहीं चाहिए। भारत में मैं मेरे देशवासियों का इसलिए भी अभिनंदन करता हूं कि मेरे देशवासियों में एक निरक्षीर विवेक का सामर्थ्य है, समस्याओं की जड़ों को समझने का सामर्थ्य है। और इसलिए 2014 में मेरे देशवासियों ने 30 साल के अनुभव के बाद तय किया कि देश को आगे ले जाना है तो स्थिर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। और देशवासियों ने एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाई। और 3 दशकों के जो अनिश्चितता का कालखंड था, जो अस्थिरता का कालखंड था, जो राजनीतिक मजबूरियों से देश जकड़ा हुआ था, उससे मुक्ति मिली। मेरे प्यारे परिवारजनों, देश के पास आज एक ऐसी सरकार है वो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, देश के संतुलित विकास के लिए समय का पल पल और जनता की पाई पाई जनता की भलाई के लिए लगा रही है। और मेरी सरकार, मेरे देशवासियों का मन एक बात से जुड़ा हुआ है। हमारे हर निर्णय, हमारे हर दिशा, उसका एक ही मानदंड है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। और राष्ट्र प्रथम यही दूरगामी परिणाम, सकारात्मक परिणाम पैदा करने वाला है। देश में बड़े स्तर पर काम हो रहा है। और लेकिन मैं कहना चाहूंगा, 2014 में आपने एक मजबूत सरकार बनाई। और मैं कहता हूं 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की, तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई है।